हेलो दोस्तों, रितु किचन में आपका स्वागत है। आज हम दाल मखनी बना रहे हैं जिसकी सामग्री इस प्रकार है। ये एक कटोरी साबुत उड़द की दाल है, ये चार हरी मिर्च है जिसे हमने बारीक काट लिया, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये चार टमाटर है, चार हमने कश्मीरी लाल मिर्च को पीस लिया है इसी में चार टमाटर के अंदर, ये एक प्याज है जिसे हमने चॉप कर लिया है, ये अमूल का मक्खन है, ये अमूल की क्रीम है, ये लाल मिर्च है, ये जीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये नमक है, ये जीरा है, ये भुना हुआ जीरा है। ये एक कटोरी उड़द की दाल है जिसे हमने रात भर भिगो लिया, इसे साफ करके धो के इसमें हमने डाला और एक मुट्ठी हमने राजमा डाली है इसमें चित्रा राजमा, और जिस कटोरी से हमने दाल को डाल ली है उसी कटोरी से हमने चार कटोरी इसमें पानी डाला है, आधे से भी कम इसमें हम सोडा डालेंगे, नमक डालेंगे आधा चम्मच। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे हम इसको। इसमें हम पाँच सीटी लगा लेंगे। कुकर को हमने गैस पर रख दिया, हम पाँच सीटी लगाएंगे इसमें। पांच सीटी लग चुकी है हमारी, दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए दाल हमारी पक गई है इस तरीके से, चेक करेंगे राजमा भी गल गए हैं हमारे। कुकर को निकालेंगे इसे, कढ़ाई को रखेंगे, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें एक कच्चा रिफाइंड डालेंगे। एक कस्सी रिफाइंड डाला हमने, एक चम्मच मक्खन का डालेंगे, मेल्ट होने देंगे इसको। ये हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे इसमें, इसे भूनेंगे अच्छी तरह। प्याज को भून लिया हमने अच्छी तरह, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम, इसे भी पकाएंगे दो तीन मिनट। अदरक को भी भून लिया हमने दो तीन मिनट। इसमें हम टमाटर डालेंगे, इसमें हमने कश्मीरी चार लाल मिर्ची भी हैं जिसे हमने पीस रखा है, इसमें नमक डालेंगे, नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि पहले भी डाला है हमने। उड़द की दाल बाजी होती है इसलिए हम एक पिंच हींग डालेंगे इसमें, दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक से कम जीरा पाउडर डालेंगे, हल्दी नहीं डालेंगे हम इसमें क्योंकि हल्दी डालने से इसका कलर बदल जाएगा, ये हमें रेड रेड इस तरह से रेड होती है उस तरीके का कलर चाहिए हमको। आधी कटोरी पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह पक जाए। दाल मखनी को पहले भी डाला है हमने वीडियो उसके, उसमें हमने टमाटर को बारीक काट लिया था, अदरक और लहसुन को भी इसमें हमने पेस्ट बना के बना रहे हैं क्योंकि टमाटर को भी पीस लिया हमने, अदरक लहसुन को भी। देखिए मसाला हमारा बन के तैयार है, तेल हमारा सेपरेट हो चुका है, इसमें हम दाल डालेंगे। चलाएंगे इसे अच्छी तरह, इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे, कुकर को खंगाल लिया हमने और इसे धीमी आंच में पकाएंगे, एक उबाल आने देंगे इसमें। दाल को चेक कर लेते हैं, दाल हमारी तैयार है। इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे अमूल की, मक्खन भी डाल सकते हैं आप इसमें। मिलाएंगे इसे अच्छी तरह और इसे धीमी आंच में पकाएंगे इसे 10-15 मिनट। क्रीम को अच्छी तरह मिला दिया हमने, देखिए क्रीम डालने से ये वाइट वाइट सी लग रही है, इसको पकाएंगे बहुत अच्छा कलर आएगा इसका। गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए दाल हमारी बनके तैयार है, इसमें गरम मसाला मिलाएंगे आधा चम्मच,
हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, इसे भी मिला लेंगे। दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए दाल हमारी बनके तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। देखिए दाल मखनी बनके हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। थैंक यू।